हिंदू राष्ट्र में वही होगा जो इस्लामिक राष्ट्र में हिंदुओं के साथ होता है। निहत्तों पर वार होता है, तलवारों से काटा जाता है, तब आपको बेरोजगारी दिखाई नहीं देती, कर्फ्यू लग जाता है उदयपुर में, एक निहत्ते पर गला काट दिया जाता है, तब आपको बेरोजगारी दिखाई नहीं देती। मैंने हमेशा इन लोगों के खिलाफ वो किया है, ठीक है, जो उदयपुर में हुआ है, जो अमरावती में हुआ है, पुलिस के पास में पहले से क्रेडिबल जानकारी थी, ठोस जानकारी थी कि उन दोनों का जीवन संकट में। आजादी की ओर अग्रसर है, इसका नाम जो इंडिया है ये बदल के इसे हिंदुस्तान करना है और हिंदू राष्ट्र स्थापित करना है। हिंदू राष्ट्र में क्या क्या होगा सर? हिंदू राष्ट्र में वही होगा जो इस्लामिक राष्ट्र में हिंदुओं के साथ होता है। क्या होता है इस्लामिक राष्ट्र में हिंदुओं के साथ? आप पत्रकार हैं जी, देखते हैं, पढ़ते हैं, आंखें हैं, तो बस समझो जो संकेतों में बयान दे रहे हैं। सर हिंदू समाज किसी डरता थोड़ी है, थोड़ा खुल के बताइए। ना तो आंखें हैं हिंदुत्व तो समाज के पास, ना जिब्बा है, ना तलवार है, तीनों चीज हमसे छीन लिया गया। हम शस्त्र की पूजा करने वाले लोग हैं। दोबारा अर्जित करेगा ये समाज तलवार को? बिल्कुल, और कानून सम्मत करेगा, कानून सम्मत। आज हर हिंदू समाज को चाहिए जो एक ये मोदी जी लेके आए हैं 4 साल सेना में भर्ती का अग्नि वीर, तो हर हिंदू समाज को उसमें संगठित हो करके खड़ा हो करके और सेना के जो मतलब आप कह रहे हैं 4 साल सेना की तैयारी कीजिए और फिर धर्म की रक्षा कीजिए। आपने देखा होगा अभी कुछ साल पहले अफगानिस्तान के अंदर अमेरिका जैसी सरकार भाग गई, क्यों? क्योंकि वही के लोग उस सेना के अंदर घुस गए और बाद में उन्हें मार के भगा दिया। हिंदू राष्ट्र में बेरोजगारी होगी? कहाँ पे बेरोजगारी है, मुझे तो आप बेरोजगार नहीं दिखते, मुझे तो आप कोई बेरोजगार नहीं दिखते, सब अपनी गाड़ियों में आए हो, बढ़िया बढ़िया कपड़े पहने हो। बेरोजगार आपको नहीं दिखाई देती? बेरोजगारी तब आपको दिखाई नहीं देती जब मस्जिदों से पत्थर चलते हैं। सही बात, मस्जिदों से ईंटें चलती हैं, निहत्तों पर वार होता है, तलवारों से काटा जाता है, तब आपको बेरोजगारी दिखाई नहीं देती, कर्फ्यू लग जाता है उदयपुर में, एक निहत्ते पर गला काट दिया जाता है, तब आपको बेरोजगारी दिखाई नहीं देती। अरे बेरोजगारी तो तब होगी ना जब कर्फ्यू लगेगा, और कर्फ्यू कब लगता है ये आपको पता है। मैं अखिल भारत हिंदू महासभा से दिल्ली प्रदेश महामंत्री हूँ, मैंने हमेशा इन लोगों के खिलाफ वो किया है, ठीक है। मैंने कहा है कि नुपुर को कोई भीड़ दोषी नहीं करती। मैं कहना चाहूंगा केवल हिंदुओं से नहीं, संविधान में आशा रखने वाले सारे भारतीय समाज से उठो जागो, आत्मरक्षा का अधिकार है। अगर कोई तुम्हारे घर पर आता है, तुम्हारे पड़ोसी के यहाँ आता है, कोई बाजार में आता है, हमला करता है, तो मिलकर मुकाबला करो और विजयी हो। सर विवेकानंद जी का कोट था, आपने कह दिया कि उठो जागो तब तक लगे रहो जब तक आप सफल नहीं होते। आज आपने जिक्र किया, एक जिक्र इसी को संबोधित करते हुए, क्योंकि ये आपने जब कहा कि उठो जागो तब तक लगे रहो, तो कब तक अभी लगने की जरूरत है कि तमाम महिलाएं हमारी आंखों में सपना है 15 साल में मुकदमों का फैसला होकर काशी और मथुरा वापस हिंदू समाज के पास में होगा। हम भारत को विश्व गुरु बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं और इसमें सफल होंगे। कौन सा माता जी वही बोल दो सर, जो बोलना आलोक जी क्या कहना है आज क्या मैसेज देना चाहते हैं? ये भारत के जनता के संकल्प के लिए रैली की थी। हम भारत की एकता, अखंडता और भाईचारे की रक्षा करेंगे। इसके रास्ते में जो भी आएगा वो विरोध करेंगे। जैसे अभी कुछ दिनों में
कुछ लोगों को नुपुर के बयान के बारे में आपत्ति हुई। तरीका ये है कि उसका FIR हो, जांच हो, कोर्ट में मामला जाए, कोर्ट फैसला करेगी कि दोषी है कि नहीं। FIR हो गई है, जांच हो रही है, पर इस बीच में अगर जुलूस निकालते हो और उस जुलूस में मेज पर खड़े होकर बोलते हो कि जो आंख उठाएगा आंख फोड़ देंगे, जीप चलाएगा जीप काट देंगे, गला उठेगा तो शरीर से अलग कर देंगे, तो ये बयान शरिया का कानून 1400 साल पुराना ये भारत में नहीं चलेगा। जिहाद की बात ये भारत में नहीं चलेगी। ऐसा बोलने वाले लोगों का स्थान उस जेल में है जिसमें चक्की पीसी जाती है। जो जो उदयपुर में हुआ है, जो अमरावती में हुआ है, पुलिस के पास में पहले से क्रेडिबल जानकारी थी, ठोस जानकारी थी कि उन दोनों का जीवन संकट में। एक लापरवाह सरकार ने, पुलिस ने सुरक्षा की व्यवस्था नहीं की, हत्या हुई उनकी, दोनों हत्यारे पकड़े गए। हम सरकार से ये बात मांगते हैं, एक हफ्ते में चार्जशीट फाइल करो, फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा करो, इस हत्या को 6 महीने में हत्यारों को फांसी के फंदे पर लटकना हो सर नूपुर फास्ट ट्रैक कोर्ट में। और तीसरी बात, अगर अब कभी ऐसा होता है कि किसी बाजार में, घर पर, दुकान में, बस्ती में कोई पत्थर लेकर आता है, कोई मशाल लेके जलाने आता है, कोई चक्कू लेके आता है, तो हम भारत की जनता को कह रहे हैं कि आत्मरक्षा का अधिकार हमको संविधान ने दिया है, उस आत्मरक्षा के अधिकार का उपयोग करके संगठित होकर लड़ो, उसके लिए जितनी शक्ति चाहिए उतनी शक्ति का प्रयोग करो, इन शक्तियों को परास्त करके भारत को विजयी, समृद्ध, खुशहाल और विश्वगुरु बनाना है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।